हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी उठापटक देखने को मिली है। कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा देकर आज भाजपा का दामन थाम लिया, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में स्वागत किया। विज ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस जैसी गंदी पार्टी छोड़कर आए हैं, उनका भाजपा में स्वागत है। स्वागत है कुलदीप बिश्नोई जी का। उन्होंने कांग्रेस जैसी गंदी पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में आ गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ना डरने का बयान दिया है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि गलत काम ना करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रजातंत्र का सहयोग करने के बजाय धरने, प्रदर्शन और सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह महात्मा गांधी का दिया शब्द है, लेकिन चोरी ठगी के लिए सत्याग्रह का कभी प्रयोग नहीं हुआ। राहुल गांधी ने सत्याग्रह के पवित्र मायनों का अवमूल्यन किया है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होते किसी भी गलत काम ना करने वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो गलत काम करते हैं उनको जरूर डर लगता होगा। नहीं, आरोप लगाना बेवजह बिना बात के उचित नहीं है। एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियां अपने सबूतों के आधार पर काम कर रही हैं। तो आप अगर प्रजातंत्र के हकदार हो तो आपको उनका सहयोग करना चाहिए, परंतु आप सहयोग करने के बजाय आप धरने दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, सत्याग्रह कर रहे हो। सत्याग्रह शब्द जहां तक मुझे याद आता है महात्मा गांधी जी का दिया हुआ है। आजादी से पहले उन्होंने बहुत सत्याग्रह किए और उन्होंने कभी भी चोरी या ठगी के लिए सत्याग्रह नहीं किया, उन्होंने मूल्यों के लिए सत्याग्रह किए। आपने तो सत्याग्रह के जो पवित्र मायने थे आपने तो उसका भी अवमूल्यन कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की बात कही है, जिस पर अनिल विज ने कहा कि वो सवाल उठाएं, जवाब दिया जाएगा, उससे पहले हुड्डा अपना कुनबा संभालें। हम तैयार हैं पूरी तरह से, हुड्डा साहब अपने कुर्मे को संभाल लें। हम जहाँ तक प्रश्न है जितने मर्जी वो लगाए हमें उसकी कोई चिंता नहीं।